डिप्टी स्पीकर साहब, सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से, अपने हलके की आवाम की तरफ से, सबको दे रहे हैं ना थोड़ा सा सबर। मरी में जो ना खुशगवार और गमजदा वाकया हुआ है उस पर अफसोस का इजहार करते हैं और जो मरहूमीन है उनकी मगफिरत के लिए दुआगू है और उनके जो सोगवार ख़ानदान है उनसे ताज़ियत करते हैं। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, हालिया बर्फ़बारी से और तूफ़ानी बारिशों से अपर दीर में भी बड़ी तबाही हुई है और वहाँ भी तकरीबन 10 लोग जिसमें 5 मासूम बच्चे भी शामिल थे वो शहीद हो गए हैं छत गिरने से और स्लाइडिंग की वजह से। वहाँ जो रास्ते हैं वो बंद हो गए हैं, लेकिन मैं मशकूर हूँ खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला जनाब महमूद ख़ान साहब का। जैसे ही मुझे इतला दी गई मेरा उनसे राबता हुआ और उसी वक्त ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने कमिश्नर मलाकन डिवीज़न और डिप्टी कमिश्नर अपर दीर को पर्सनली कॉल कर दिया। चूँकि उस दिन मैं कराची में था तो डिप्टी कमिश्नर साहब वहाँ फार फ्लंग एरिया, डोकदरा जो फार फ्लंग एरिया है वहाँ फातह खानी के लिए पहुँच गए और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने उसी वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। जो बंद रास्ते थे उनको खोलने के लिए ऑपरेशन अभी भी जारी है और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने जो लोग शहीद हो गए हैं और जो ज़ख्मी हो गए हैं उनकी कंपेंसेशन के लिए उन्होंने कमिटमेंट की है। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, जो वाकया मरी में हुआ इसी तरह सैकड़ों की तादाद में टूरिस्ट और सियाह कुमराट और लवारी टनल के करीब और दूसरे जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वो स्टक हो गए थे, लेकिन मैं दाद देता हूँ, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं अप्रिशिएट करता हूँ दीर बाला के गयूर अवाम उनकी मेहमान नवाजी को कि उन्होंने खुद रेस्क्यू ऑपरेशंस किए और जो लोग स्टक हो गए थे, जो लोग फंस गए थे उनको निकाला था। और मैं उन टूरिस्ट का भी मशकूर हूँ कि उन्होंने ट्वीट के ज़रिए, पोस्ट के ज़रिए दीर बाला के अवाम की तारीफ की है। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, प्रोविंशियल हुकूमत ने जो मुस्तहिकीन है, जो लोग शहीद हो गए हैं उनकी कंपेंसेशन के लिए तो उन्होंने कमिटमेंट की है, लेकिन मैं इस बान में फेडरल गवर्नमेंट से, अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से भी मैं मुतालिबा करता हूँ एनडीएमए से कि अपर दीर में जो लोग शहीद हो गए हैं उनकी कंपेंसेशन दी जाए और एक स्पेशल पैकेज दिया जाए। क्योंकि जिन लोगों के मकानात गिर गए हैं, जिनके मकानात को नुकसान पहुंचा है उनको आफतजदा करार देकर वहाँ के लोगों की मदद की जाए। सही, शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर साहब। जी जनाब,